तो कैसी लगी फुकरे 3? बहुत मस्त, बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी, बहुत ज्यादा प्यारी फिल्म है, हंस हंस के लोटपोट हो गए हैं, एंड आउट एंड आउट एंटरटेनर फिल्म है। बहुत अच्छी थी, बहुत एंटरटेनिंग थी, बहुत मजा आया मूवी के अंदर, और खास करके फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग अच्छी थी। सबको देखनी चाहिए, फैमिली पिक्चर है, अच्छी मूवी थी बहुत। वरुण और पुलकित दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, और पंकज त्रिपाठी का जो पार्ट था वो भी बहुत अच्छा था। वेरी नाइस, फनी मूवी थी, और एज यू नो दैट चूजा वाज हाउ इट आउटशाइन। द मूवी वाज ग्रेट, कॉमेडी है, राइट हैंडेड कॉमेडी है, मूवी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही मजा आया स्टार्टिंग से लेके एंड तक, हमको हंस हंस के पेट डुबना गया, इतनी अच्छी मूवी थी। अनी का किरदार कैसा लग रहा था? सॉलिड, उनकी एक्टिंग बहुत ही शार्प थी एकदम, उन्होंने रोल मॉडल का प्ले किया है, उनको फुकरे का मतलब एक एक तरह से सीक्वेंस में बहुत अच्छा रोल प्ले किया, हमको बहुत ही मजा आया देखने के अंदर। उसका इतना पार्ट नहीं था रोल, फुकरे वाला फुकरे 2 में ज्यादा पार्ट था, इसमें उन लोग ने थोड़ा कम किया है, और वरुण और पंकज त्रिपाठी का पार्ट ज्यादा कर दिया है। कॉमिक टाइमिंग बहुत बढ़िया था सबका, बहुत बेस्ट, हनी का नहीं पंकज त्रिपाठी का भी बहुत बढ़िया कॉमिक टाइमिंग था। हनी पुलकित सम्राट जो है वो तो अपने काम में बहुत ही जबरदस्त है, बट अगर मैं आपसे बोलूं द स्टार ऑफ दिस फिल्म इज चूचा वरुण शर्मा, अमेजिंग परफॉर्मेंस भाई, बहुत अच्छी थी केमिस्ट्री, बहुत अच्छी थी सब चारों की, आई मस्ट से दे हैड अ गुड रैपो इन बिटवीन देम, सो उन लोग के जो पंच लाइंस थे बहुत अच्छी रीत से आ रहे थे, वी वर लाफिंग, ऑडियंस वर लाफिंग। सबका किरदार अच्छा था, स्पेशली चूचा का, बहुत फनी मूवी है, सबको देखनी चाहिए, पूरा माइंड फ्रेश हो जाएगा सुबह सुबह देखा। वो तो ऑल टाइम फेवरेट है, मीन्स फुकरे तो उनके लिए ही देखते मोस्टली, बट लेकिन अली फैजल नहीं थे ना तो थोड़ा वो अधूरापन लग रहा था, बट एंड में अच्छा है। खास करके पंकज त्रिपाठी सर का जो पंच था वो अमेजिंग था, हर एक लाइन के अंदर बीच में थोड़ा एक्शन डाल देते, उसके कारण मूवी का मजा डबल हो जाता, चार चांद लग गए मूवी के। डांस कैसा लग रहा था पुलकित का? ऑफकोर्स वो पुलकित फिजिक उसकी अच्छी है, वो पूरा फिट बंदा है, तो उसकी डांस, उसके डांस का स्टेप्स का अच्छे हैं, एक नंबर था, मजा आ गया डांस देखकर, एकदम हमको भी नाचने का मन हो गया। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है मूवी में? पुलकित और चूचा का ब्रोमांस, जो दिल्ली की समस्या उन्होंने बताई, दिस इज द बेस्ट पार्ट। स्टोरी डाले मतलब पहले फुकरे पार्ट 1-2 में इतनी स्टोरी नहीं थी जो ये इसमें, स्पेशली वो जो क्रोकोडाइल का सीन था ना स्विमिंग पूल में, वो तो बेस्ट ही था, मतलब बहुत फनी था। बैकड्रॉप पे सोशल इश्यूज भी मतलब रेस की है तो अच्छा है। मगरमच्छ वाला बहुत ही अच्छा सीन था, उसके अंदर जो एक्टिंग थी पंकज त्रिपाठी सर की वो ऑसम थी, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। गाने के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? फुकरे गाना वो सही है वाला अच्छा था, बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। पुलकित का डांस कैसा लग रहा था? Awesome. He is too good. I mean, he's having that body and all. तो अच्छा लग रहा था। पिक्चर बहुत अच्छी थी, फनी कंटेंट बहुत था, गाने बहुत कम थे, मतलब ना के बराबर थे, और बाकी और कोई स्टोरी लाइन नहीं थी, फनी बहुत है। 5 out of कितने सर? 4.5. 5 out of 4.5. 7, 8. 4.5. 4. मैं 4. 4 out of 5. 3.5. 5 में से 5 स्टार देना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी मूवी थी।